आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट आई एम हेयर। हाँ, तो बहुत दिन के बाद मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही खास वीडियो है, पूरा को देखना। और बहुतों को लग रहा होगा ऐप पता चल जाएगा तो भाई काम कंप्लीट, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होगी जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो बीच में भी मैं एक चीज़ बताऊँगा जिसमें आप उससे इरीटेट नहीं होगे और कोई जानोगे। ये ऐप इतना बढ़िया है कि जैसे आप मीटिंग्स कर रहे हो और आपको कोई फ़ोन कर रहा है तो आप तुरंत इंस्टेंट वाइब्रेशन मोड टू साइलेंट मोड में चले जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो सिंपल सा ट्रिक है, कैसे करना है वो मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ अभी। जैसे कि आप जैसे तो अभी मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन में एक एप्लीकेशन है जो वो इंस्टॉल्ड है, तो उसको बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। आपको पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा, वहाँ पर अलमाइटी वॉल्यूम की सर्च करना होगा, आपको ये ऐप मिल जाएगा वहाँ पे, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल कर, ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं, छोटा मोटा एप्लीकेशन है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सारा एप्लीकेशन का परमिशन को अलाउ कर देना है और सिंपली आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इसमें जैसे मैंने सेट करके रखा है कि डबल टैप अगर मैं वॉल्यूम आपको करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली ये साउंड में चला जाएगा, मतलब जनरल वॉल्यूम में चला जाएगा। और अगर मैं डबल टैप अगर डाउन वॉल्यूम को करूँगा, वॉल्यूम डाउन की को करूँगा, तो ये साइलेंट में चला जाएगा। मतलब मैं साइलेंट में नहीं रखा हूँ, वाइब्रेशन एंड साइलेंट में रखा हूँ, तो मेरा वो काम उससे चल जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेटिंग में जाना है, वहाँ पे जैसे मैंने सेट किया, अभी मैंने डाउन का सेट कर रहा हूँ, आपको डाउन का सेट कर लेना, जैसे आपको 3 बार दबाना है तो उससे कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और है कि आप सिर्फ वॉल्यूम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मुझे इसका नीड था तो मैंने ये किया, आप यहाँ पे ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो सिंपली की के मदद से। तो बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स है जो आप गेस्चर्स की तरह यूज़ कर सकते हो, जो बहुत कोई देखेंगे तो आपको सिंपली में भाई तूने कैसे किया मुझे भी बता दे, तो बोलना भाई जाके उस वीडियो को देखो, सब पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा प्रमोशन, थोड़ा शेयर कर देना भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने वॉल्यूम अप को दबाया तो साउंड में चला गया। और यहाँ पे एक आपको दिखाता हूँ जैसे फ्लैश लाइट, मैंने फ्लैश लाइट भी सेट करके रखा था तो आपको दिखा दिया मैंने, फ्लैश लाइट का भी फंक्शन यहाँ पे। तो सिंपल था, बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ और इसमें आपको खटकेगा कि इसका नोटिफिकेशन में आ जाता है, मतलब ऊपर जो है वहाँ पे आपको अल्माइटीज का इसका स्टार्टअप आपको दिखेगा, तो आप या तो डायरेक्टली इसका ऐप का इन्फो में जा करके वहाँ कर सकते हो। तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि जिसे मैंने ऑफ करके रखा था, यहाँ पे आपको ऊपर में ही इसका मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसको ऊपर टैप करना है और यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना और सेव कर देना, तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और पता भी नहीं चलेगा कि आप ऐसा कोई ऐप यूज़ कर रहे हो जिससे ये फ़ीचर आपके फ़ोन में आ गया। तो ये फ़ीचर बहुत ही अच्छा है, जिसका एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो उसके फ़ोन में तो रेयर ही मिलेगा, क्योंकि वन प्लस के फ़ोन्स में शायद आता है और कुछ कुछ ब्रांड्स अपने स्पेसिफिक फ़ोन स्मार्टफोन मॉडल्स में ये देते हैं, लेकिन आईफोन्स में ये बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसमें आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है तो बहुत ही कूल लगता है, जैसे कि वाइब्रेशन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं आप ये ही करो, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो यहाँ कर सकते हो। और मैं बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो अब से वीडियो रेगुलर आएगी, इसी टाइप की वीडियो आएंगी जिसमें आपको कुछ अलग ही करने को मिलेगा, जिससे आप किसी को भी शॉक कर सकते हो अपने फ़ोन में ये चीज़ करके, और अब बहुत ही कूल लगोगे। तो बस लोग तो यही कहेंगे आपको, भाई तूने ये कैसे किया मुझे भी बता दें। तो बस यार वीडियो में इतना था, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मैं फिर मिलता हूँ एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो सिंपल से एक और नोटिफिकेशन था आप लोग के लिए कि अगर कोई मेरे साथ काम करना चाहता है तो मुझे DM करना, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। This shit is real.